ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान मजीद में नबी हैं अल्लाह के पाक नबी, उनकी रोज़ा अनवर पर वहाँ हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। ये जो बगदाद का रास्ता है, रास्ते में आते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर, वो आपको उसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये रास्ता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ जाते हुए। ये रास्ते में शॉप्स आती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स, जिसमें बच्चों के खिलौने, मिट्टी के बड़े खूबसूरत बर्तनों की एक ये दुकान है जो आती है रास्ते में। ये रास्ता है बेसिकली जिसको क्रॉस करके हमने जाना है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर, जो सामने आपको नज़र आ रहा है जो मेन गेट है रोज़ा अनवर का। तो ये मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं खाने पीने की और बच्चों के खिलौने वगैरह की। ये पानी की बोतलें ये भी मिलती हैं। ये इसलिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जिस कुएं के पानी से शिफा मिली थी वो पानी आप भर के लेके भी आ सकते हैं बतौर तबरक और पी भी सकते हैं। तो ये है जो मेन ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर है, उनकी कब्र अनवर है जिसकी आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पाक नबी हैं उनके रोज़ा अनवर पर आया हूँ। इनका जिक्र कुरान मजीद में आया है और इनका सबर बहुत मशहूर है। ये बहुत खुशहाल और मालदार थे, तो एक दिन शैतान ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तूने कोई मुसीबत ही नहीं दी, तो फिर ये तेरे पाक नबी ने तेरा शुक्र ही अदा करना है। तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर आजमाइशें डाली, यानी इनका आल औलाद मर गई, जानवर मर गए, बड़ा इनको सारा इनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, लेकिन इनकी ज़ुबान फिर भी इनको कहता था कि ज़ुबान ना ख़राब, फिर भी शुक्र करते रहे। तो ये सबरे हुसैन भी है मेरे जहन में।